हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अब दिए हुए क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं, अब वो सारे हमने करने हैं। ये आप लोगों ने काम जो है सारा अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर के बारे में हम शुरू से जब से आप पढ़ रहे हैं वो उसमें आपने क्या, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि वो कोई जो है जो भी काम हमें उससे साइन किया गया है वो कर सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर को कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि हम उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। अब उन्होंने आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले उन्होंने जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल द यूज़र टू डू अ स्पेसिफिक वर्क ऑन कंप्यूटर। कि जब हमने कोई भी स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर के ऊपर करना होता है उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू provide specific functionality needed by the user and other software to provide a platform for running application software. अब उसमें हमारे पास system software, अब ये क्या चीज़ है कि वो तो application software तो हमारे पास वो programs है ना जो कि हमें कोई specific काम करना है उसके लिए use हो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास आ जाते हैं system software जो है वो हमारे computer के hardware को जो है manage कर रहा होता है, ठीक है, ताकि हम उस पर कोई काम, ताकि application software भी उस पर रन हो सकें। अब आ जाता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स, इट कंट्रोल्स द मेमोरी नीडेड बाय कंप्यूटर प्रोसेसेस, मैनेज डिस्क स्पेस, कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइसेस एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, कि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। कि मतलब हार्डवेयर जो है हमारे जो मोनीटर प्रिंटर ये सब कुछ हैं इनको मैनेज कर रहा है, साथ में जो और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं जो कि अंदर हमारे पास मौजूद ड्राइवर्स हैं या डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज कर रहा है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमें जो कंप्यूटर में मेमोरी की ज़रूरत होती है उसके लिए स्पेस को मैनेज करना, फिर पेरिफेरल डिवाइस जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ उनको मैनेज करना, फिर यूज़र के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो आसानी से इंटरेक्ट कर सके। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो क्या होते हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को हमारे पास जो होता है वो मैनेज करते हैं, कि पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, फिर उसमें कोई भी अगर चेंजिंग वगैरह करनी है जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से बनाना है, उसमें जो कि टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, मतलब पिक्चर्स वीडियोस होती हैं। विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट इन टू अ डॉक्यूमेंट। हम क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, हम मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के लाइन स्पेसिंग जो होती है उसको लाइन स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, फिर अगर हमें जो है फाइंड करना है कोई वर्ड या कोई रिप्लेस करना है उसके लिए यूज़ अ स्पेल चेकर टू चेक स्पेलिंग्स, के हमें स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेल चेकर यूज़ होता है। फिर उसके बाद प्लेस अ हेडर एंड फुटर एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द पेज, कि हमारे पास हेडर भी अप्लाई हो सकता है और फुटर, हेडर जो होता है वो पेज के टॉप पे होता है और फुटर जो होता है बॉटम पे होता है, ठीक है। वेरी फॉन्ट्स, के फॉन्ट का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, फिर फॉन्ट साइज़ क्या होगा, कितना हो सकता है मैक्सिमम, फिर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है कि हमारे पास फॉन्ट कैसा नज़र आना चाहिए हमारे पास, और उसमें हमारे पास उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, कौन कौन सी एग्जांपल दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड,
कोरल, वर्ड परफेक्ट, सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारे पास जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वो क्या है? अगला हेडिंग जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, अलाउज यूज़र टू मैनेज डाटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम विच कलेक्टिवली कॉल रो वर्कशीट। हमारे पास पहले तो डाटा को फॉर्म में मैनेज करना, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में मैनेज करना, फिर उसको उन सारे रोज और कॉलम्स को में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है उस सारे चीज़ को हम वर्कशीट कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड अ सेल कैन कंटेन टेक्स्ट नंबर, फार्मूला, फंक्शंस एंड दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड डिस्प्ले रिजल्ट। कि हमारे पास फिर उन सेल्स में जो है क्या होता है, नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, फार्मूला हो सकता है या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, ताकि हम कोई भी जो हमें अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसके लिए मदद करेगा डाटा, और फिर उसके बाद उसमें हमें उस जिस तरह का हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो देगा। और हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, लोटस आ जाता है, आई वर्क, नंबर्स आ जाते हैं, एंड कोरल, कोरट्रो आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल मैनेजर एंड इमेज व्यूअर। अब इमेज व्यूअर और फाइल मैनेजर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ यूज़र मैनेज ऑल द फाइल्स ऑन देयर कंप्यूटर एंड एन इमेज व्यूअर। अब हमारे पास जो होता है फाइल मैनेजर का क्या काम है कि वो हमारे पास फाइल्स को मैनेज करेगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए, डाउनलोड्स में होने चाहिए, किस तरह। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज व्यूअर जो होता है वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम ही है, लेकिन उसका काम जो है वो हमारे ग्राफिकल इमेजेस को स्टोर करना है, उसको कैसे व्यू करना है, उन सारी चीज़ों को वो हैंडल करता है। ठीक है, फिर व्हाट आर द यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं क्या? अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन रिसोर्सेज और फाइल्स। कि हमारे पास जो उन कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो हैं ना, उनको किस तरह से मैनेज करना, वो किस तरह से काम करेंगे, कंप्यूटर की जो है वो के यूज़र जो है एनालाइज कैसे करेगा, कन्फिगर कैसे करेगा, और कंप्यूटर को कैसे मैनेज किया जाता है, वो आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से, डिस्क क्लीनअप है, फाइल मैनेजमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब उन्होंने लिस्ट नेम ऑफ फोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने ये सब जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं। पहले हमारे पास कौन सा, विंडो मीडिया प्लेयर आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल ड्रॉ। ठीक है, कैन डिवाइस वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर, कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर मौजूद नहीं होगा तो क्या वो डिवाइस काम करेगा? अगर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो वो डिवाइस कंप्यूटर में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक डिवाइस को जब हम अटैच करते हैं, जैसे प्रिंटर को अटैच करते हैं, अगर उसके कंप्यूटर के अंदर हमारे पास प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, लिस्ट एनी थ्री प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन रेफरेंस सॉफ्टवेयर। रेफरेंस सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली लेस इंस्ट्रक्शनल देन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज डेटाबेस एंड इट्स एग्जाम्पल अ मैप सॉफ्टवेयर, फिर एटलस आ जाता है, इंसाइक्लोपीडियाज आ जाते हैं, और हमारे पास क्या है, डिक्शनरीज आ जाती हैं। इसमें हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शनल नहीं होते, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होते ना देन जिस तरह एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स में होते हैं, लेकिन वो हमारे पास एक लार्ज डेटाबेस होता है जिसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। जैसे कि मैप सॉफ्टवेयर होते हैं, एटलस होती है, इंसाइक्लोपीडियाज हैं और डिक्शनरीज हैं। जैसे गूगल मैप को देख लें, गूगल मैप में जो आपने एड्रेस डालते हैं वो उस हिसाब से आपको अपनी डेस्टिनेशन पहुँचा देता है। ये हमारे पास जो हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं।